हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? हिंदू कैलेंडर में कार्तिक पूर्णिमा को एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी देवता धरती पर अवतरित होते हैं और लोगों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह भी माना जाता है इस दिन पवित्र नदी गंगा में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा स्नान भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का अंत किया था और वे त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए थे। इसी दिन अन्न देवता त्रिपुरासुर का वध हो जाने की खुशी में काशी में दिए जलाए थे, इसीलिए इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व है? चलिए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से 1000 बार गंगा स्नान करने का फल मिलता है। अगर आप साल में एक बार भी गंगा स्नान नहीं करते हैं, तो अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा मैया में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते, तो 1000 बार गंगा स्नान करने का फल आपको मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा में किस देवता की पूजा की जाती है, ये तो सभी को पता होगा। चलिए फिर भी हम बताते हैं। कार्तिक महीना भगवान श्री हरि, विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। वही पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। जो कोई विष्णु और लक्ष्मी जी की एक साथ में पूजा करता है, वो श्री हरि को पाता है। कार्तिक महीना श्री हरि को बहुत ही प्रिय है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसका जन्म हुआ था? हिंदुओं के अलावा सिखों के लिए भी कार्तिक पूर्णिमा का महत्व है। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा में ही हुआ था, तो ये त्यौहार कार्तिक पूर्णिमा का सिखों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा कैसे करें, चलिए जानते हैं। नंबर एक, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। सूर्योदय के पहले स्नान कर लेना चाहिए। यदि आप पवित्र नदी में नहीं स्नान कर पा रहे हैं, किसी कारणवश आप गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं, तो नहाने के ही जल में गंगा जल डाल लें। पहले नहाने के पात्र में गंगा जल डालें और फिर पानी, और उसके बाद उस जल से स्नान करें। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। जैसे ही आप स्नान कर लें, उसके बाद सबसे पहले घर के मंदिर में जाकर दीपक जलाएं। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। जितने भी आपके घर के मंदिर में देवी देवता रखे हुए हैं, उनको गंगा जल से उन सभी का अभिषेक करें। इस दिन विष्णु श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। जिसको माता लक्ष्मी और विष्णु की सेवा करनी अच्छी लगती है, इसके अलावा भी जो लोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चाहते हैं, जिन्हें धन संपदा चाहिए, जो आर्थिक चीज़ों से कष्ट उठा रहे हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जितने हमने नियम बताए हैं, इन नियमों में से किसी एक नियम का भी पालन करते हैं और उसका अपने जीवन में उतारते हैं, तो श्री हरि विष्णु भगवान अवश्य उन्हें सफलता देंगे और आशीर्वाद देंगे। कार्तिक का महीना भगवान शंकर को भी बहुत प्रिय है। कहते हैं कि श्री हरि को अपने नाम से ज़्यादा शिव जी का नाम पसंद है, ऐसे ही बाबा भोलेनाथ को श्री हरि का नाम पसंद है। तो आप जब कार्तिक के महीने में विशेष पूजा की जाती है, कार्तिक का महीना बहुत ही अच्छा है, इसमें जितने भी देवी देवताओं की आराधना की जाती है, सबको उसका फल मिलता है, प्राप्त होता है। कार्तिक किसका नाम था, कार्तिक किसके बेटे थे, तो ये तो सबको पता है कि कार्तिकेय भगवान शिव शंकर के बेटे हैं, शिव शंकर के पुत्र हैं कार्तिकेय। और शिव जी भी आज जब सबसे पहले
विष्णु जी जब उठते हैं कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी के दिन, तो सबसे पहले वो किसके दर्शन करते हैं? सबसे पहले वो शिव जी के डमरू का नाद सुनते हैं, और सबसे पहले जब नयन खोलते हैं तो शिव जी के दर्शन करते हैं। सबसे पहले वो शिव जी को ही देखते हैं क्योंकि वो उनके आराध्य हैं। और उसके बाद एक तरफ उनकी माँ पत्नी लक्ष्मी जी बैठी रहती हैं और एक तरफ कुबेर भगवान बैठे रहते हैं। तो जैसे ही वो भूलोक पे जैसे ही वो चरण रखते हैं, तो सबसे पहले एक चरण लक्ष्मी माँ अपने हाथ में ले लेती हैं और दूसरा चरण बाबा केदारनाथ सॉरी वो कुबेर भगवान लेते हैं। तो इस दिन जो भी माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करता है तो माँ लक्ष्मी उससे प्रसन्न होती है और उसके घर संपदा को आशीर्वाद देती है, उस पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। तो आप लोग कार्तिक के महीने में ये उपाय सारे करें, हो सके तो पूर्णिमा के दिन ये सारी चीज़ें कर लें, तो पूरे माह में ना की गई हुई कोई भी किसी भी तरह की पूजा अगर आप नहीं कर पाए किसी भी कारण से, तो आप पूर्णिमा के दिन यह उपाय अवश्य करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो आपको अवश्य फल मिलेगा। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? और अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मैं अपने से पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुँचाऊँ, अच्छी नॉलेज पहुँचाऊँ। तो आपको इस चैनल पे धर्म से रिलेटेड, सनातन धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक पहुँचाएँ उसको, और आप लोग उसको सुने और जाने। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर लिखना। आपका एक लाइक मेरा उत्साह बढ़ाता है, मेरी हिम्मत बढ़ाता है, और आपका एक कमेंट मुझे ये बताता है कि मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ, सही दिशा में जा रही हूँ। तो मैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आप लोगों के लिए चलो कुछ कर पा रही हूँ। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।